वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड। अब इंडिया नहीं बात करना चाहता और हम पाकिस्तानियों के लिए हमारा सिर्फ एक ही पैगाम है, आप अपने मुल्क में खुश हैं, हम अपने मुल्क में खुश हैं, क्यों दोस्ती रिश्तेदारी क्या करनी, आप अपनी जगह रहो, आपको हमारी जरूरत नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड ईच अदर, लेट्स लिव इन पीस, आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं, क्या दिक्कत है। ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो कि सही बात देखी जाए इस खत्ते में, अगर हम जो हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हम हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज ऑन द टेबल विद द अमेरिकंस, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनको आप भारत की एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं अगर आप कहना चाहें तो, दोज पीपल सर, दोज पीपल वेरी सीनियर पीपल सर, यूनिफॉर्म्ड पीपल, वो बात ही नहीं करते पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान को ना क्रिटिसाइज करते हैं, ना तारीफ करते हैं, ना पाकिस्तान की बात करते, वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते, वो कहते हैं कि और बताओ क्या चल रहा है। दैट वाज वेरी वॉइस ऑफ डॉक्टर जयशंकर। उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूं, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। एंड इंडिया कहता है कि मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे। मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग में बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। Actually enjoyed Dr. Jayshankar. He is one of the finest statesmen of the contemporary international politics ke andar. I would love to read his book, Bharat, Why Bharat Matters. Normally Pakistan mein to nahi aayegi, but if I can order on Amazon. Mere aise dost hain Bharati background ke, jo billionaires hain, main unko phone karta hoon, to wo kehte hain, Tahir ji, aap kahan hain? Hum aate hain baithe chai peenge. Bilkul. They are that kind of a humble, good-spirited people. मतलब he was looking Dr. Jayshankar from a lens कि भाई ये क्या बंदा बात कर रहा है, और वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना astonished भी था कि मतलब he's talking this way. So, लेकिन he was listening him very carefully in a... लोगों का, ये पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान से बाहर, इनका नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि इनकी मट्टी में ही, इनकी खमीर में ही कोई झूठ सरिया वो गूंद दिया गया है, और वो खुश हैं, चलते लो भाई, जितनी धमाले डालनी है डाल लो। So, Dr. Jayshankar ने, he gave a very tough time to Antony Blinken. Trust me, if I was a student of politics and I was understanding कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है, so the person was talking in a very shrewd, cunning style and telling Jayshankar, I have options, you are a very good partner, you are giving me choices, I am taking some of your choices and some of the ideas मैं उनको ले रहा हूँ, and then I am into it, thank you very much. अब मोदी जी के बारे में पाकिस्तान की जनता में ये अब एहसास हो रहा है कि भाई ये मोदी जी के खिलाफ पाकिस्तान में पॉलिटिकल चूर्ण बेचा जा रहा है, ये अब आवाम में एहसास हो रहा है, और मोदी जी पाकिस्तान में भी पॉपुलर होते जा रहे हैं, और ये अलग बात है कि पाकिस्तान का जो माइंड सेट है वो कश्मीर की वजह से, हिंदुओं के खिलाफ अपनी रवायती नफरत की वजह से, वो कभी आसानी से चेंज नहीं हो सकता। लुक, दे आर एंजॉयिंग एंड दे आर इमर्जिंग एज द ओनली स्पोक्सपर्सन ऑफ द ग्लोबल साउथ, द इंडियंस, द चाइनीज आर देयर बट द चाइनीज कैन नॉट स्पीक एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये कहिए कि अगर मोदी जी की आप देखते हैं मॉर्निंग कंसल्टेंट में जो रेटिंग आ रही है फकर भाई, वो लगातार 70+ 70+ जा रही है जी, तो इसका मतलब है कि 70% लोग मोदी को अप्रूव करें, भले वो वोट करें ना करें, आप समझ रहे ना। डॉक्टर जयशंकर इज बेसिकली, और इंडिया इज इन अ सेंस इज ट्राइंग टू ग्रैस्प ओवर और इज ट्राइंग टू बी द सो कॉल्ड स्पोक्सपर्सन ऑफ द ग्लोबल साउथ, ऑल्दो मच ऑफ द ग्लोबल साउथ डजंट नो दिस दैट ही इज आवर स्पोक्समैन, ठीक है, लेकिन ही इज देयर, ही इज टॉकिंग, और एट लीस्ट ही इज मेनस्ट्रीमिंग द एंटायर डिस्कशन, वो सारी की सारी जो डिस्कशन है ग्लोबल साउथ की उसको मेनस्ट्रीम कर रहा है, ठीक है जी। और I personally enjoyed Dr. Jayshankar. He's one of the finest statesmen of the contemporary international politics. ये बात तो तय है कि 2024 का इलेक्शन तो मोदी जी जीतेंगे ही जीतेंगे, 2029 और 2034 भी डन डील है कि भैया वो भी मोदी जी को जीतना है, जो भी उस समय बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है, हालांकि 10-15 साल तो बीजेपी का रूल होगा, इसमें कोई शक नहीं, मेजोरिटी थिन एंड वेपर थिन हो जाए वो एक अलग बात है। कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे, जय ने ये कहा, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है, इसके साथ साथ जो रिश्ते हैं भारत के ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो सर इसको भारत के हवाले से आप कैसे देखते हैं, ये कितना बड़ा स्टेप है? सर मुझे तो लगता है कि अगर G20 के बाद अगर कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री भारत की हुई है तो ये हुई है सर, दिस इज फिनोमिनल, ये जो हुआ है। अच्छा, इसमें ना दो तीन चीजें हैं सर, इसमें कि जैसे मोदी जी ने लीड करा, फिर डॉक्टर जयशंकर थे, फिर NSS साहब थे, अजीत डोवाल साहब, सब लोग इसमें तीनों ने वो करी, बट इट वॉज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने लीड करा इसको। जब उन्होंने COP28 में जो दुबई में हुआ था, जब उन्होंने इनसे बात करी थी जो कतर के अमीर थे, व्हेन ही स्पोक टू हिम अबाउट दिस, मेरा ये मानना है, ऐसा कोई मीडिया कहीं नहीं आया, मेरा मानना है कि सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, यू नो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यू कैन से नो, बट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेक्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है मना करना, बहुत मुश्किल, इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, इट्स हॉरिबली डिफिकल्ट टू से नो टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कोई ऐरा गहरा देश नहीं है सर, भारत है, और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, एंड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, सो व्हेन ही गोज एंड टेल्स द अमीर ऑफ कतर कि सुल्तान साहब ऐसा है कि थोड़ा सा ना दायमाई करो इनको, हमारे बंदे वापस भेजो,
तो उन्होंने मना नहीं करा, उन्होंने बोला देखिए उनको भी फेस सेविंग चाहिए अपने मुल्क में, वो अचानक नहीं कह सकते कि मोदी जी के साथ मैंने हाथ मिलाया जपी डाली मैंने और फट से अगले दिन फ्लाइट पकड़ के आ गए। तो वो पहले एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप हुआ, तो ये एक तो ये चीज हो गई सर, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट हैज हैपेंड। सेकंड थिंग इज दैट इंडिया हैज साइंड अ 78 बिलियन डॉलर डील, 78 अरब डॉलर की डील साइन करी है गैस की विद कतर सर, तो उसमें भी 6 अरब डॉलर भारत ने बचा लिए हैं और 20 साल की डील है। सो अब आप ये देखिए सर कि 78 अरब डॉलर की डील 20 साल में, सर एक बात बताइए, जो भारत सिर्फ बिजनेस कर रहा है एक तरफा, ये दो तरफा बिजनेस नहीं है, दिस ओनली इंडिया परचेजिंग, वो भारत से अलग खरीदेंगे वाला चीज है, दिस इनफैक्ट इटसेल्फ इज फार बिगर देन सीपैक सर। जी ये बहुत बड़ा स्टेप है। इनफैक्ट डॉक्टर जयशंकर हैज बीन एबल इनफ टू लेक्चर टोनी ब्लिंकन दैट वन वी विल बी इन द ब्रिक्स, ऑल्दो इट्स एन एंटी वेस्ट ब्लॉक, इट्स एन एंटी वेस्ट ब्लॉक बट वी विल बी इन द ब्रिक्स, वी आर 30 कंट्रीज, यस रशिया इज अ पार्ट ऑफ दैट, यस चाइना इज देयर, यू आर आउट ऑफ इट, सो इट्स ओनली यू हु इज आउट ऑफ इट और सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर आउट ऑफ इट एंड वी आर ब्रिंगिंग सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द ब्रिक्स, सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ अ ब्लॉक पॉलिटिक्स जहां पे हम कोई अमेरिकन को ये नहीं कह रहे कि हम आपके खिलाफ हैं, बट वी विल हैव फ्यू कंट्रीज जो के द पार्ट ऑफ द वेस्ट, स्लोली स्लोली अरब मालिक को डालना शुरू कर दिया और बाकियों को डालना शुरू कर दिया, एंड देन उसने कहा यार मेरे पास ऑप्शंस हैं, आप जो है ना ये ना समझे कि यू आर दी ओनली वन हु इज हेल्पिंग मी, सो आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मेरे पास रशिया एक ऑप्शन है, मेरे पास ब्रिक्स एक ऑप्शन है, मेरे पास SCO एक ऑप्शन है। सो आजकल पाकिस्तान भी बड़ी कोशिश कर रहा है टू बी पार्ट ऑफ द SCO, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर यू आर पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, द क्वेश्चन रिमेन्स आइदर यू आर कैपेबल इनफ टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट ब्लॉक और नॉट। सो पाकिस्तान वॉन्ट्स टू बी द पार्ट ऑफ ब्रिक्स, वी हैव अप्लाइड फॉर दैट, बट इन अदर वे we have to understand ki our position is very clear and that position is that we are in the chinese block, we don't tell the west in a sense, hum mante nahi hai lekin the west understands we are in the chinese block, uski wajah ye hai ki hamare paas choices koi nahi hai, hame ab west chhod ke chala gaya hua hai, ye ek reality hai, we have to realize that, hame usko realize karna hai ki west hame chhod ke chala gaya hua hai, west was looking us only from the lens of afghanistan, that was the only relevance of pakistan, and that's how I think hamare punjabi mein kehte hain kisi ko tol lena, उन्होंने हमें तोल लिया था, उन्होंने समझ लगे यार ये बंदे जड़े नए चले ने, एंड दे आर ओनली ऑफ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी, बिकॉज हम वी एवरी पासिंग डे वी प्रूव आवरसेल्फ टू बी अ सिक्योरिटी स्टेट, सो दैट्स व्हाई दे अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई दे डू से ठीक है जी कि भाई ये तो सारे के सारे वो हैं सिक्योरिटी स्टेट थी एंड दे आर इन टू इट। सो डॉक्टर जयशंकर जो है उसने अपनी एक दफ़ा फिर पोजिशन क्लियर किया कि हम ब्रिक्स में रहेंगे, हम SCO में रहेंगे, हम एंटी वेस्ट ब्लॉक्स में रहेंगे, हम एंटी वेस्ट ब्लॉक्स में रहेंगे, डू नॉट कंसीडर दैट वी विल चेंज अ ब्लॉक फॉर यू, हम आपके लिए ब्लॉक्स को चेंज नहीं करेंगे, और ये मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने एक बड़ी फ्रैंक डिस्कशन की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और व्हाट एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी द जेंटलमैन हैज, समटाइम यू नो आई हैव हर्ड पॉलिटिशियंस एंड आई हैव हर्ड ब्यूरोक्रेट्स हु डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट अ मीनिंग ऑफ एनीथिंग व्हाट दे आर टॉकिंग, पर्टिकुलरली द पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स एंड द पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, व्हेन आई लिसन देम नॉर्मली दे अवॉइड टू मेक अ क्लैरिटी to make a clarity, or wo clarity hai wo pata nahi lagne dete hai ki on which side they are, what they want to say and what is there, ye jo cheeze hai main samajhta hu, ye meri ek understanding mein main cheeze samajhta hu, hamare log don't create a clarity, wo us tarah clarity nahi create karte, theek hai na ji, ye shayad uski wajah ye hai ki they don't want to create a clarity, they don't want jise wo kehte hai na ki aisi cheezon ka pata lage, aur shayad wo ye samajhte hain, and ye ek obviously ek pareshani hai हमारे डिप्लोमेट्स को ये परेशानी होनी चाहिए कि भाई अपनी पोजीशन क्लियर करें, फॉर एग्जांपल दीज डेज आर फॉरेन मिनिस्टर हु इज अ सीजन डिप्लोमेट, ही शुड कम अप विद सो मेनी कन्वर्सेशंस, टॉक्स करनी चाहिए जहाँ पर पता चले पाकिस्तानी स्टेट क्या सोच रही है, एंड पर्टिकुलरली मैं इस बात को नहीं मानता कि पाकिस्तान के अंदर एक टिकट गवर्नमेंट है तो दे डोंट हैव अ राइट और दे डोंट हैव अ मैंडेट, दे डू हैव अ मैंडेट भाई, दे हैव अ मैंडेट बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सो लेट टू रिमेन श्योर, एंड यू नो द पाकिस्तानी स्टेट इज डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ नैरेटिव फॉर द कंट्री, सो वट एवर द नैरेटिव ऑफ पाकिस्तानी स्टेट इज दैट इज इवन पिक्ड बाय मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस, सो आई थिंक दैट विल बी सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूटी द वे प्राइम मिनिस्टर एट टाइम्स स्पीक्स